दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कोई ट्रेन एक मेन रोड पे जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं उसके बीच में जा रही हो? मैं यहाँ ट्रैम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवे की एक ट्रेन की। मेरी ये बात सुन करके आप में से बहुत लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे और सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, पर दोस्तों ये सच है। ग्वालियर में करीब 115 साल पुराना एक नैरो गेज लाइन है जो अभी भी ऑपरेशनल है, मतलब कि अभी भी इस पे ट्रेन चलती है। ये नैरो गेज लाइन करीब 2 फीट या फिर 610 मिलीमीटर चौड़ी है और अगर बात करें इसकी लंबाई की तो ये रूट करीब 199 किलोमीटर लंबा है और हमारे इंडियन रेलवे में कुछ लंबे नैरो गेज ट्रैक्स में इसका नाम भी शुमार है। अगर बात करें इस ट्रेन के रूट की तो ये ट्रेन शुरू होती है ग्वालियर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से और खत्म होती है श्योपुर कलां में। इस 199 किलोमीटर लंबे रूट पर करीब 26 स्टेशन आते हैं जिनमें ग्वालियर जंक्शन, सबलगढ़ और फाइनली श्योपुर कलां कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं। खैर, मैंने इस रूट पर बस मोती झील तक का ही टिकट लिया है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। चलिए, सफर के दौरान मैं इस नैरो गेज रूट के हिस्ट्री के बारे में आपसे बात करता हूँ। अगर बात करें इस रूट की हिस्ट्री की तो इस रूट को बनाने की शुरुआत 1899 में शुरू हुई थी और 1904 में इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। इस महत्वपूर्ण नैरो गेज रेलवे लाइन की स्थापना ग्वालियर के उस वक्त के महाराजा माधव राव सिंधिया ने की थी। अगर आप ग्वालियर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको सिंधिया डायनेस्टी के बारे में जरूर से पता होगा। खैर, अभी हम पहुंच गए इस रूट के सबसे पहले स्टेशन पे जो है घोसीपुरा और हमारा अगला स्टेशन और आखिरी स्टेशन मोती झील होगा। उस वक्त लोग इसे महाराजा रेलवे के नाम से जानते थे लेकिन अब इसे लोग ग्वालियर लाइट रेलवे या फिर ग्वालियर श्योपुर नैरो गेज लाइन के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की तादाद बहुत अधिक है जो इसे महाराजा रेलवे के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं। आजादी के पहले ये रेलवे रूट एक प्राइवेट रेलवे लाइन थी, यानी कि महाराजा इसे ऑपरेट करते थे, लेकिन आजादी के बाद जब हमारी रेलवे का सेंट्रलाइजेशन हो रहा था तब इसे नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे के हवाले कर दिया गया। इस रूट पर बहुत लंबे समय तक स्टीम इंजन का उपयोग किया गया लेकिन जल्दी ही इस रूट पर NZM क्लास का डीजल इंजन उपयोग होने लगा। सबसे अनोखी बात इस नैरो गेज रेलवे रूट की ये है कि यहाँ ट्रेन्स मेन रोड से होकर गुजरती हैं और इसके अलावा कुछ कॉलोनीज के अंदर से भी इस ट्रेन के रूट गए हुए हैं और साथ ही साथ एक कमाल की बात ये है कि इस रूट पर एक ब्रिज है जो हमारी नॉर्मल गाड़ियों और इस ट्रेन के लिए एकदम कॉमन है। एक और अनोखी चीज है जो सिर्फ आप इसी रूट पे देख सकते हैं, जैसे कि वो इंसान हाथ दिखा करके लोको पायलट को ट्रेन स्लो करने के लिए बोल रहा है और उसे देखकर लोको पायलट ट्रेन की स्पीड स्लो कर लेता है ताकि वो इंसान ट्रेन पे चढ़ सके। गर्मियों के मौसम में इस ट्रेन में भारी भीड़ रहती है और लोग ट्रेन की छतों पे जा करके सफर करते हैं, पर अभी तो बारिश का मौसम है, पर फिर भी लोग ट्रेन की छतों पे बैठ करके मानसून का मजा ले रहे हैं। वैसे ये रूट इलेक्ट्रिफाइड नहीं है और ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं जाती, तो ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा करना यहाँ उतना रिस्की नहीं है, पर फिर भी रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि आगे क्या हो सकता है। खैर, मेरा आखिरी स्टेशन मोती झील आ गया, पर यह ट्रेन और आगे तक संभलपुर तक जाएगी और रात के 8:30 बजे वहाँ अपनी जर्नी टर्मिनेट करेगी। वैसे तो इस रूट का आखिरी स्टेशन श्योपुर कलां है, पर यह ट्रेन रात को जर्नी नहीं करेगी कुछ सिक्योरिटी रीजन के कारण और अगले दिन सुबह 6:10 पे ये संभलपुर से श्योपुर के लिए रवाना होगी। वैसे इस रूट पर एक ट्रेन है जो एक ही दिन में इस पूरे रूट को कंप्लीट कर लेती है, वो सुबह 6:10 पे ग्वालियर से खुलती है और करीब शाम को 5:30 बजे श्योपुर कलां पहुंच जाती है। मतलब 199 किलोमीटर के जर्नी को कवर करने में इस ट्रेन को करीब 11 घंटे का वक्त लग जाता है। खैर, मैं अभी यहाँ स्टेशन पे दूसरी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ जो मुझे फिर से वापस ग्वालियर जंक्शन पहुँचा दे। दोस्तों, भले ही ये जर्नी बहुत छोटी थी, पर जितनी क्लोजनेस या जितनी करीबी से मैंने इंडियन रेलवे के फंक्शनिंग को देखा है उतनी करीबी से पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि ट्रैक्स, लोकोमोटिव, कोचेस, सिग्नलिंग इस रूट पे बहुत पुराने हैं, पर फिर भी मुझे आज के मॉडर्न इंडियन रेलवे की बनने की कुछ झलकियां दिखाई दी। दोस्तों, इस रूट पर लोगों की डिमांड है कि इस रूट को नैरो गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, पर सच तो ये है कि अगर इस रूट को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो लोगों के बीच उतनी एक्साइटमेंट और बरसों पुरानी इस धरोहर का अंत हो जाएगा। पर अगर बात करें लोगों की सहूलियत की तो यहाँ ब्रॉड गेज में कन्वर्जन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा।
खैर आपको क्या लगता है कि हमारे इंडियन रेलवे में जितनी भी नैरो गेज पे ट्रेन चलती हैं उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपने महत्वपूर्ण ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।